आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पहले नागरिकता कानून, फिर एनआरसी और अब एनपीआर। 24 दिसंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को आगे बढ़ाया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध किया जा रहा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर का काम उस मेगा एक्सरसाइज के साथ ही होगा जो हर 10 साल में भारत में होती है, और ये मेगा एक्सरसाइज देश की जनगणना की है। और सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा पे आते हैं। नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में बवाल के बीच मोदी सरकार ने अब एनपीआर लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारत की जनगणना 2021 की कवायद के लिए 8,754 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उन्नयन के लिए 3,941 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। एनपीआर हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना का ही नया रूप है। एनपीआर तैयार करने का मकसद देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी। हालांकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। एनपीआर में कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें नागरिक जो भी सूचना देंगे वो सही मान ली जाएगी, यानी जनगणना के लिए किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनपीआर जनसंख्या का रजिस्टर है, यानी देश में जो लोग भी रहते हैं ये उनका रजिस्टर है, जबकि एनआरसी में हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं। शाह ने कहा कि ये दोनों प्रक्रिया अलग अलग है और एनपीआर का कोई डेटा एनआरसी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखिए, दोनों में मूलभूत अंतर है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। राष्ट्रीय महत्व के इस बड़े काम को पूरा करने के लिए 30 लाख कर्मियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। जनगणना 2011 के दौरान ऐसी कर्मियों की संख्या 28 लाख थी। पॉपुलेशन रजिस्टर में तीन प्रक्रियाएं होंगी। पहले चरण में 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच पूरा होगा। तीसरे चरण में संशोधन की प्रक्रिया 1 मार्च से 5 मार्च के बीच होगी। एनपीआर असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, जबकि जनगणना का काम पूरे देश में होगा। एनपीआर का काम जनगणना कार्य के साथ ही होगा। असम को इससे अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पहले ही राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का कार्य हो गया है। एनपीआर के आंकड़े पिछली बार 2010 में घर की सूची तैयार करते समय लिए गए थे, जो 2011 की जनगणना में जुड़े थे। 2015 में घर घर जाकर इन आंकड़ों को अपडेट किया गया था। इस बार जनगणना के नतीजे आम जनता को इस तरह उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें ये समझने में आसानी हो। जनसंख्या से जुड़े ब्लॉक स्तर के आंकड़े परिसीमन आयोग को भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन में इनका इस्तेमाल हो सके। नागरिकता कानून एनआरसी पर जारी बहस के बीच अब एनपीआर पर भी विवाद खड़ा हो गया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई संबंध नहीं है, जबकि विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने तक की सलाह दे दी। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार एनपीआर को एनआरसी के साथ जोड़ रही है, जबकि यूपीए सरकार के समय ऐसा नहीं किया गया था। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार का कदम संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। मैं वजीर दाखला मोहतरम जनाब अमित शाह साहब से कहूंगा, वो जरा चैप्टर 15 अपनी मिनिस्ट्री का पढ़ लें, एनुअल रिपोर्ट 2018-19। वो खुद कह रहे हैं कि द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एफोर्सेड स्टैट्यूट। नंबर वन, उनकी गलत झूठ साबित हुई। I think it's a big lie, and it's a bigger lie than what Mr. Narendra Modi had said in at Ramlila ground on Sunday. I would like to tell your viewers that I have in front of me the annual report
of the Home Ministry. This is for the year 2018-19. And I would just like to read out one sentence. The National Population Register, the NPR, is the first step towards the creation of the National Register of Citizens, NRC. आज ऐसे माहौल में जब देश के अंदर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और साथ ही साथ देश में तमाम गर्मी पैदा हो गई है CAA को लेके, NCR को लेके, NPR को लेके, और इस माहौल में इस प्रकार के कदम उठाना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 2010-11 में NPR पूरे देश के स्तर पर अमल हुआ था। वो किस पर्पज से किए थे और उस समय के क्या गृह मंत्री पी चिदम्बरम क्या उस पर क्या अभी झुटलाने की काम करेंगे, और उस समय जिस पर्पज के लिए किया गया आज भी उसी पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो उस समय के गृह मंत्री और उस समय के MOS अजय माकन झूठ बोल रहे हैं। अभी तक देश में 15 बार जनगणना हुई है। आज़ादी के बाद 7 बार जनगणना हुई, जबकि आज़ादी से पहले 8 बार अंग्रेजों के द्वारा जनगणना करवाई गई थी। सरकार का तर्क है कि इस पर NPR से सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान हो पाएगी और ये भी पता चल पाएगा कि योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं, यानी NPR से सही लोगों को योजना का लाभ मिल पाएगा। आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य जैसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो पहले नागरिकता कानून, फिर NRC और अब NPR। 24 दिसंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। AK मिश्रा जी हमारे साथ है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मिश्रा साहब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। विजय खरा जी हमारे साथ हैं, BJP के नेता हैं। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत। विजय जी, BJP पहले CAA फिर NRC और अब NPR, देश में आकर हो क्या रहा है? पहले ही इतना विरोध झेल रहा है देश, उसके बाद अब इस तरह से NPR के ऊपर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिया विपक्षी पार्टी ने। इस विषय पर देखिए बहस अभी भी चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ एक मिनट दो मिनट में हम ये तो समझ लें कि इनमें फ़र्क क्या है। अभी तक लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और विशेष तौर से जब कुछ राजनीतिक नेताओं और पार्टियों ने स्वार्थवश उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया है। यहाँ तक NRC का सवाल है, सिर्फ इस समय NRC असम में है। उसकी भी दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक कि वो सुप्रीम कोर्ट के मद्देनज़र है, एक। नंबर दो, जिन लोगों के नाम NRC में वहाँ रह गए हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकते हैं और NRC में शामिल हो सकते हैं। अगर जायज़ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ट्रिब्यूनल कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, उसमें जज होता है, जज न्याय करेगा, वो भी कोई बात नहीं है। तीसरी बात, उसमें NRC में 19 लाख लोग जो छूट गए हैं, कोई डिटेंशन सेंटर में एक भी नहीं है, न कहीं भेजा गया, वो अपने अपने घर में आराम से रह रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, अपने सफाई देंगे, उनके नाम जुड़ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, बिना वजह उसमें इस तरह से फैलाना बात को गलत, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना और लोगों को गलत रास्ते पर डालना, भड़काना, ये सब गलत है। दूसरी बात, अब NPR का जहाँ तक सवाल है, NPR का, NPR 1955 का एक्ट था, उस एक्ट के मुताबिक इट्स मैंडेटरी, आवश्यक है, ये कंपल्सरी है, इट्स मस्ट, वो होना ही है। तो उस एक्ट के मुताबिक ये जनगणना होना है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये 2003 में एक रूल में उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई थी और उनको कंपल्सरी मैंडेटरी बना दिया था। 2010 में कांग्रेस ने इसकी प्रक्रिया की, पूरे भारत में NPR के ऊपर उन्होंने कलेक्शंस किया, उसको डाटाबेस भी करना था, करना चाहिए था, नहीं कर सके, वो तो 20 बातें तय करके नहीं कर सके कि कांग्रेस के पास कभी बजट ही नहीं होता था। कई चीजें ऐसी हुई जो कांग्रेस ने विचार किया, बाद में उनको आगे नहीं बढ़ा पाए। अब जो बात तय हो गई, NPR बनना ही है और वो बनेगा ही, बनना चाहिए, क्योंकि देश हित में है, राष्ट्र हित में है। उसमें भी वो सब लोग जो इस देश में रह रहे हैं, सामान्यतः यहाँ रह रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं, जिनके 6 महीने लगभग हो गए या उससे ज्यादा हो गए होंगे,
उन सबका उसमें नाम आना है। अब किस पर सिक्स मंथ के सामान्यतः जो रह रहे हैं वो भी एनपीआर में आ जाएंगे, जो आ गए हैं हाँ सिक्स मंथ्स में, मतलब वो तो खाली उसमें डाटा में डालना है कि लोग रह रहे हैं, ये निवासी है, छह महीने से, छह साल से, ये तीन जन्म से, दो जन्म से है। अब इसमें क्या एतराज है, मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जबरदस्ती गलत फहमी फैलाए जा रहे हैं। एक ओबीसी साहब ने तय कर रखा है, हमें तो हिंदू मुसलमान के बीच में लकीर खींचना ही खींचना है, नहीं तो हम हैदराबाद में चुनाव नहीं जीतते। कांग्रेस भी तो इसका विरोध कर रही है जी, ओबीसी भी विरोध कर रहे हैं, तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है, और आरोप तो सीधे सीधे ये लग रहा है कि जिस तरह से एनआरसी आप लागू करने वाले हैं उसका पहला स्टेप है ये, पहले स्टेप की तरफ ये आगे बढ़ाया जा रहा है जी। वो भी क्या कर एनआरसी लागू करने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये प्रश्न नहीं है, सवाल ये है भारतीय जनता, सवाल क्यों नहीं है, मैं बता, लोगों के जहन में डर क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताइए ना, अगर लोगों के जहन में डर है, अगर भारतवासियों के जहन में डर है तो उस डर को कौन दूर करेगा, सरकार आपकी है, डर दूर करिए ना, क्यों नहीं डर दूर कर पा रहे। मैं बता रहा हूँ एनआरसी बनाना भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, इसमें सरकार ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है, ना ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, ना अभी ये कैबिनेट में आया है, ना अभी मंत्रियों के बीच इस बारे में कोई चर्चा बात हुई है। सरकार ने एनआरसी के बारे में अभी क्या चर्चा की है, ये आगे खुद ही बढ़ गया, हमने बताया सिर्फ आसाम में, बाकी देश में नहीं है। तो चर्चा की बात तो तब आएगी ना सर, आपके ही पार्टी के नेता गृह मंत्री खुद ये कहते हैं कि भाई एनआरसी भी हम लेके आएंगे, ये तो हमारे मैनिफेस्टो में है, तो लोगों के डर जहन में डर क्यों ना हो। सुनील जी, सवाल इस बात को भी लेकर है कि इस वक्त जिस तरह से हालात और जिस तरह की स्थितियां देश में बनी हुई है, बात चाहे सीएए की करे या फिर एनआरसी की करे या फिर अब एनपीआर को लेकर जिस तरह से विरोध झेलना पड़ रहा है, विरोध पर विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार कड़े फैसले और बड़े फैसले लेने में कतई भी हिचकिचाने रही। देखो, एक तो अभी खेरा डॉक्टर खेरा साहब कह रहे थे कि एनआरसी पे अभी कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इनके गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है एनआरसी हम पूरे देश में लागू करेंगे जी, और ये ऐसे शब्द थे जो बड़ा तैयारी भी पूरी है उसकी, ये भी बात उन्होंने कही। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहा हो, लेकिन दो तीनों चारों का मिक्सअप तो जरूरी निश्चित है, बिल्कुल। ये कांग्रेस ये सरकार कहे या न कहे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है नेहा कि जो कोई भी कंफ्यूजन जनता के बीच जा रहा है वो दूर करे। वैसे बीजेपी बड़े बड़े इवेंट करने में माहिर है, अपनी बात पहुंचाने में माहिर है, किस तरीके से जनता को मैनेज कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, उसमें माहिर है। लेकिन क्या सीएए को लेकर के या एनआरसी को लेकर के जनता विपक्ष के जाल में कैसे फंस गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा कि बड़े बड़े विज्ञापन आप दीजिए जिससे जनता समझ सके। आखिर में चार दिन संसद में बहस चली, दो दिन राज्यसभा में बहस चली, उसके बाद इनको बाद में होश आया कि हमें जनता के बीच जाना है, तमाम मंत्रियों की पदाधिकारियों की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि छोटे छोटे सम्मेलन कीजिए, 3 करोड़ परिवारों तक ये बात बताइए घर घर पहुंच करके कि एनआरसी में और सीएए में क्या अंतर है, तो ये इस बात की परिस्थितियां हैं। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जनता कहीं गुमराह होने जा रही है या गुमराह हो सकती है तो आप फेल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाई तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और पूरे देश ने आपकी बाई-बाई की, कहीं पत्ता नहीं हिला, लेकिन आपने सीए लागू किया, सीए लागू करने के बाद जो दंगे भड़के, कहीं ना कहीं निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जनता सरकार इसमें फेल हुई है, सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सही से रिपोर्ट नहीं कर पाई और सरकार इसमें कंफ्यूजन में रही। बिल्कुल, सरकार कंफ्यूजन में रही। ठीक है, आप एक बात कह रहे साहब, जब ये दंगे भड़के, जब देश में ये हालत होने लगी जगह जगह पर, जहाँ नेताओं जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ऐसे लोगों ने जहाँ इंटरेस्ट लिया ओबीसी ने, वहाँ आपको प्रशंसा करना होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 350 लोकसभा के एमपी का समर्थन था, किसी क्षेत्र में कोई भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने ना आंदोलन किया, ना धरना किया, ना प्रदर्शन किया, ना जुलूस निकाला। आरएसएस को बधाई देनी चाहिए, कितनी शांति से वो बैठे रहे और सब होता रहा, इसके लिए हमें उनको बधाई देना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, वरना क्या ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, क्या एक एमपी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता था, ये सब नहीं किया, क्योंकि शांति हिंदुस्तान के लिए सबसे पहली चीज है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिट है। दूसरी बात, अमित शाह जी जो कह रहे थे वो भी अब मैं क्लियर कर देता हूँ, ये बात सच है कि आज तक कोई कैबिनेट इस पर चर्चा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था तो अमित शाह ने कहा
लेकिन कैबिनेट में नहीं हुआ तो उन्होंने वो भी स्पष्ट कर दिया। अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर जब चर्चा होगी तो वो सामने आएगी। कैसे चर्चा नहीं हुई सर, कैसे चर्चा नहीं हुई? 16,000 मैं बता रहा हूँ ना, जब आपकी 2014 में सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, 16,000 करोड़ कैबिनेट ने आपके मंजूर किया ना, क्या चीज़? सारा परफॉर्मा जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार हुआ, कितने सेंटर बनने हैं, कौन से अधिकारियों को लगा जाना है, क्या सिस्टम बनना है, तो भारत सरकार ने 16,000 करोड़ का बजट दिया है एनआरसी के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई? कैबिनेट में चर्चा हो जाने के बाद ही वो बजट मंजूर हुआ और आगे जाकर के संसद में उसकी स्वीकृति ली गई। तो ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, कह सकते हैं कि हाँ अभी बिल नहीं आया है, बिल नहीं आया है, लोकसभा में पेश नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप ये कहें आपके 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 नेता, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री जब ये कहते हैं कि हमारी तो एनआरसी को लेकर तैयारी पूरी है, तो देश की जनता क्या समझे? अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ पे चर्चा नहीं हुई, कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई, बिना चर्चा के बजट पास हो गया, बिना चर्चा के ही गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, तो क्या माने इससे, क्या माने? बजट सिर्फ आसाम में लागू हुआ है, कहीं लागू नहीं हुआ, न कहीं शुरू हुआ, न शुरुआत हुई है। बिल्कुल सही बोल रहा अमित साहब, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि हम एनआरसी सिर्फ आसाम में हुआ है और कहीं पर नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये विचार है, एनआरसी होना चाहिए, हो सकता है कल सभी लोग उसमें सहमत भी हों, लेकिन जहां तक आज की तारीख है उसमें सरकार का इसमें अभी कोई उसमें कदम नहीं उठाया। ठीक है मिश्रा जी, सवाल इस बात को भी लेकर है कि सीएए एक एक्ट बना, उसको लेकर विरोध, फिर एनआरसी जिसका अभी कोई अता पता नहीं है, उसको लेकर विरोध, अब एनपीआर जनगणना है, वो तो देश में हर 10 साल में होती है, उसको लेकर भी विरोध। देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ख्याली पुलाव हैं, आप अपने ख्याली पुलाव से खुद ही डर जाइए, तो उसके लिए ना आप कुछ कर सकते हैं ना सरकार कर सकती है। बिल्कुल, मैं आपको ये बोलता हूँ, इसके पहले जो जनगणना हुई थी वहाँ पे आपका डाटा पड़ा है, टिकटॉक का वीडियो बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए आप अपने सारा डाटा दे दोगे, फेसबुक और डेटिंग साइट पे एक लड़के से लेके बुढ़े तक सारे लोग अपना डाटा दे देते हैं। जो लोग एनआरसी से डरे हुए हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है भाई। एनआरसी में मैं मान लेता हूँ एनआरसी है केबल हो गई, एनआरसी में वही जाएगा जो सिद्ध नहीं कर पाएगा। अब आपके पास गवर्नमेंट आ रही है कि भाई आप बताओ, आप यहाँ के नागरिक हो, आप अपने बाप दादाओं, जमीन जायदाद कहाँ रहे हो, कहाँ नहीं, बताओ। मैं तो बोलता हूँ कि जब आपके घर पे जनगणना करने वाले आए तो आप सारे काम छोड़ करके आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं, और ये सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि आप इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि सारी डिटेल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज इसके, देखिए आप सरकार वगैरह बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, नेता लोग तो हमेशा सुरक्षित है, हम साधारण आदमी की बात करें, कई बार ऐसी खबर होती है, गुनाह किसी और ने किया, मेरी शकल उससे मिलती है, कुछ है, सजा मुझे मिल गया। तो जब आपका ये एक जबरदस्त प्रमाण रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो ये विभेद भी हो पाएगा, कई जगहों पे आप अपने आप को मुसीबत से बचा सकते हैं, कानूनी चक्करों से बचा सकते हैं। इसके फायदे बीजेपी गवर्नमेंट ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, और विपक्ष भी इसके गलत एंगल से ही जो है दुनिया को बता रही है या प्रेजेंट कर रही है, इसीलिए सारे लोग एक दूसरे को इंक्लूड करके, कोरिलेट करके एनआरसी वगैरह इन सबको देख रहे हैं। मैं बोलूंगा कि ये सबसे अच्छा मौका भारतीय जनमानस के पास है, हर 10 साल में ये होता है, अब की बार होना चाहिए, और इसमें बायोमेट्रिक भी, मतलब सिस्टम, फिंगरप्रिंट वगैरह भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि अगर आपने बायोमेट्रिक इसमें अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाह करके आपको बांग्लादेशी, विदेशी या वो डिक्लेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही दिया गया सबसे पुख्ता प्रमाण है कि आप इस देश के नागरिक है। इसका विरोध नहीं, इसका स्वागत होना चाहिए जनमानस की तरफ। आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, वो अपने अपने फायदे लेंगे, ये मुझे पता है, मानस अपने माइंड को ओपन करके इसका स्वागत करिए, और जल्दी से जल्दी अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाइए, और हर एक इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसा ना हो कि कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाए। ठीक है, लेकिन सुनील कौशिक जी की बताया जा रहा है कि चलिए ठीक है एनपीआर होगा, तो देश में जनगणना होनी है, हर 10 साल में होती है, उसी जनगणना को करना है, बस ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से, या फिर यूं कहे कि अब बायोमेट्रिक तरीके से होगा, तो जो डाटा है वो लोगों का दर्ज हो जाएगा, पहले एक लंबी प्रक्रिया चलती थी, लेकिन अब ये जो है एप्लीकेशन के थ्रू चीजें होगी। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का है कि विरोध, और सिर्फ विरोध, पहले सीएए उसके बाद एनआरसी, तो क्या उन दो मुद्दों को और आगे बढ़ाने के लिए ये एनपीआर को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि है नहीं? नहीं, विपक्ष बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि विपक्ष मुद्दा बना रहा है, ये तो सतत प्रक्रिया है, 10 साल बाद सरकार को करना ही है, कोई भी सरकार हो,
दूसरा, जनगणना केवल ऐसा नहीं है कि आप उसमें रजिस्टर हो जाइए, इसी जनगणना के आधार पर सब जितनी भी प्रदेश की सरकारें हैं या केंद्र की सरकार हैं, सारी योजनाएं इसी से डेवलप होती हैं, किस क्षेत्र में किस समुदाय के कौन से लोग रह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसी में और भी जोड़ा जाएगा, वो बाद में आएगा, आर्थिक जनगणना भी इसमें जोड़ी जाएगी, जनगणना के साथ साथ होती है, तो सारे आंकड़े सारी योजनाएं सारी व्यवस्थाएं इसी के आधार पर सरकार करती है। केवल लोग ये न माने कि हम जनगणना में आ गए और हमारा वोटर लिस्ट में नाम आ गया या हम वहां रजिस्टर्ड हो गए, इसके अलावा सही जानकारी आप देंगे। मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि जब तक हमारे देश के पास सही जानकारियां नहीं होंगी तब तक हम देश के विकास में कैसे सहभागी बन सकते हैं। सरकार के पास जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो सरकार योजना बनाएगी कैसे। मुझे 2-3 देश में जाने का मौका मिला तो इनमें बिल्कुल स्पष्ट और सही तौर से सूचनाएं दी जाती हैं हमारे देश को छोड़ करके, और वो उन आधार पर अगले 10 साल के लिए हमारे देश को क्या जरूरत है, क्या किन चीजों की हमारी कमी रह गई है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको विकास में रोकेंगी, उन पर योजनाएं देश बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा कि अब 2011 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर सरकार अब निर्णय ले रही है, और जब 2020 में 21 में जनगणना होगी तो जाकर के हम देखेंगे भारत सरकार निर्णय 2030 में जाकर के लेगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। दूसरी बात, तमाम आपने देखा होगा जब आर्थिक जनगणना होती है तो उसमें देखा है कि एमपी एमएलए के भी नाम आ गए और तमाम गरीब छूट गए, तमाम गरीब लोग बता नहीं पाते। जैसे मैंने, मेरे पास मोटरसाइकिल है, टीवी है, फलाना ढिकाना ये सब कुछ चीजें होती है, मोबाइल है, एंड्रॉइड, तो वो नहीं बताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम गरीबी रजिस्टर से बाहर ना हो जाए। तो ये वास्तव में स्पष्ट तौर से सारे जनता का दायित्व बनता है कि जो हकीकत है वो बताएं देश को, सरकार को बताएं, सरकार उन्हीं के भले के लिए तमाम योजनाएं लाएगी, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होगी जो देश के विकास में सहभागिता होंगी। ठीक है विजय खेरा जी, एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें या फिर केरल की बात करें, दोनों ही राज्यों की सरकारों ने पहले ही एनपीआर के काम पर रोक लगा दी है, इसे किस तरह से देखेंगे? अगर देश में जनगणना होगी एनपीआर के थ्रू होगी तो जाहिर तौर पर देश के सभी नागरिकों को उसमें सहयोग देने की जरूरत है, सरकारों को भी है, लेकिन जब सरकारों ने ही रोक लगा दी तो कैसे आगे बढ़ेगी? इसको आप विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से देखिएगा, देखना होगा। कम्युनिस्टों का तो काम ही ये है कोई भी राष्ट्र हित में योजना आया है उसका चौपट करना। केरल के बारे में तो आप भूल जाइए, क्योंकि जहाँ कम्युनिस्ट बैठ जाएंगे उनका काम है, इसीलिए पूरे विश्व ने उखाड़ के फेंक दिया गया है। रहा ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी के जितने पीछे निर्णय हैं हर चीज को वो संविधान के खिलाफ जाती हैं, भारत का संविधान नहीं मानती हैं, एक बार नहीं 10 बार भूल चुकी हैं वो, मुझे उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं। गवर्नर का घेराव करा देती हैं, कभी गवर्नर को अंदर, चांसलर यूनिवर्सिटी का उसको अंदर नहीं जाने देती हैं, 200 बातें कह चुकी हैं वो, तो उनको अपना शुद्ध किसी तरह कुर्सी चाहिए, राष्ट्र से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसी का गेम वो कर रही है, हिंदू मुस्लिम वोट बांग्लादेशी नॉन बांग्लादेशी, उनकी सीमाएं सिर्फ यहीं तक सीमित है। दूसरी बात, अभी कौशिक साहब जो कह रहे थे कि इसकी डाटा कलेक्शन बिल्कुल कंपल्सरी है, आवश्यक है, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा करोड़ों नहीं अरबों रुपया बर्बाद हो गया मनरेगा में, वो लाभार्थी ही नहीं निकले कहीं, वो अकाउंट ही कहीं नहीं निकले, करोड़ों राशन कार्ड झूठे निकले। अब जब ये इसका पता करने की कोशिश की गई करोड़ों, कितने गैस कनेक्शन झूठे निकले, चार चार गैस कनेक्शन, आदमी वो है ही नहीं, आखिर इसकी रोक कहीं तो होगी, गरीबों का भला कैसे होगा अगर हमारे पास डाटाबेस नहीं है तो कैसे होगा? हम मना थोड़ी कर रहे किसी को, कोई 2 साल से लग रहा है, ये तो पॉलिसी बात की है कि कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है, लेकिन आज ये होने तो दीजिए। इन्होंने तो यहाँ तक बात फैला दी कि मुसलमानों को यही कह दिया कि जो 40 साल से रह रहे आपको भी प्रमाण देना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए, खुद प्रियंका गांधी ने ऐसा बोला, सब लोगों ने बोला, मीटिंगें की, क्यों ऐसा बरगला रहे हैं लोगों को? भाई ये पॉपुलेशन रजिस्टर होने दीजिएगा, इसका स्वागत कीजिएगा, इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, ये राष्ट्रहित में है, हमारा आर्थिक डेवलपमेंट में ये काम आएगा, लोगों को सही लोगों के लिए हेल्प पहुंचाने में, सुविधा पहुंचाने में काम आएगा। अभी ये हमारे मित्र भी यही बोल रहे थे, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि तमाम इससे फायदे हैं, लेकिन फायदे आम जनता को क्यों नहीं दिख रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं जो कि प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। और बात आज हम कर रहे हैं एनपीआर की। 24 दिसंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को आगे बढ़ाया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध किया जा रहा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर का काम उस मेगा एक्सरसाइज के साथ ही होगा जो हर साल
हर 10 साल में भारत में होती है और ये मेगा एक्सरसाइज देश की जनगणना की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीआर और एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का अपना अपना काम है और एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि जिस तरह से पारदर्शिता आने की बात की जा रही है, सवाल मेरा एके मिश्रा जी आपसे है, पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है और हर सिस्टम में, जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं या फिर किसी प्रशासनिक अमले की बात करते हैं, किसी कानून की बात करते हैं, किसी नीति की बात करते हैं, हर नीति में हर तरह से कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की जरूरत होती है। और पारदर्शिता क्या लगता है कि इस एनपीआर के जरिए आएगी, क्योंकि हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से होगी या बायोमेट्रिक तरीके से होगी या एप्लीकेशन के थ्रू होगी, तो जाहिर तौर पर इसमें गड़बड़ी होने की आशंका कम रहेगी। नेहा देखिए, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो देश की जनता है, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद एक इंडिविजुअल आदमी के लिए है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम भी आप अप्लाई करिए। एक बार आपकी सारी चीजें रजिस्टर हो गई तो आपको कोई आदमी गलत प्रूव नहीं कर पाएगा। बार बार शिकायतें आती हैं, गलत इनकाउंटर हो गया या उस आदमी को गलत जेल में डाल दिया गया या उनको ऐसे घोषित कर दिया गया, वैसे घोषित कर दिया गया, एक पूरा एक ऐसा रिकॉर्ड ये बनेगा। इसमें देखिए गलतफहमी कहां हो रही है, बीजेपी एक कमी कर रही है, बीजेपी को ये बताना चाहिए। कोई भी कानून देश के और देशवासियों के फायदे के लिए होता है, सरकार किसी की भी हो, एक्सटेंडेड बेनिफिट वो सरल शब्दों में जनता के सामने प्रेजेंट करे, ये कर ही नहीं रहे। देखिए एक्सटेंडेड बेनिफिट क्या है, एक रिक्शा वाला है, उसको चावल राशन के कार्ड पे चाहिए, वो कैसे सिद्ध करेगा कि मैं गरीब हूं, मैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हूं, वो इससे सिद्ध होगा। और एक बार अगर इसमें वो रजिस्टर हो गया कि वो गरीब है, तो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, लीकेज वगैरह को बंद करना है। ऐसा नहीं है कि किसी के राशन कार्ड पे कोई ले ले, वो नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ये इतना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में एक एक आदमी के लिए। आप नौकरी करने जाएंगे, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे, आपको हॉस्पिटल में है, आपका एक्सीडेंट हो गया रोड पे, आपकी पहचान होनी है, तो ये एक मतलब अमोघ अस्त्र रहेगा आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी पहचान के लिए। अगर आपने यहां पे अपनी पहचान स्थापित कर दी, उनके सारे सवालों को और एक्सटेंडेड जितने भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं आप खुल के दीजिए, भाई आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन आज सीक्रेट है, सारे फोन नंबर सारे बैंकों के पास आप खुद दे देते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जितने हैं आपके मोबाइल के थ्रू, आपका सारा डाटा, इवन आपकी पिक्चर, आपके फैमिली की पिक्चर उन लोगों के पास होती है। अगर किसी गवर्नमेंट की मंशा गलत है या किसी भी आदमी की, तो वो कहीं से भी आपका डाटा निकाल लेगा। तो इन सब खतरों से अपने आप को बचाने के लिए, किसी ने फेक आईडी आपकी बना ली जो है, तो कैसे प्रूफ करेंगे आपकी वो आईडी असली आदमी मैं हूं, उसकी आईडी फेक है, इस पे केस होते हैं साइबर क्राइम वगैरह में। हर तरीके से बचाने वाला अगर कोई छतरी है जो आपको धूप से, ओलावृष्टि से, बारिश से, पानी से, बरसात से बचाएगी, तो वो एनपीए है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खुले दिमाग से सोचिए, इसके फायदे इतने हैं, ये एनपीए ना होके आपके लिए सुरक्षा कवच है। आप इस कवच को पहनने से चूकिएगा मत, नहीं तो बार बार जनसंख्या रजिस्टर बार बार मेंटेन नहीं होता है 10 साल तक, फिर आप दौड़ते रहेंगे, प्रूफ करवाते रहेंगे, इधर से सर्टिफिकेट उधर से सर्टिफिकेट बनवाओ, हजार जगह कागज बनवाने से बेटर है कि आपके घर पे जब वो आ रहे हैं, मैं तो बोलूंगा कि दीपक और अगरबत्ती जला के पहले उनकी आरती उतारिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि वो आपके घर पे आ रहे हैं और आप यहाँ नखरे दिखा रहे हैं कि जी हमारा डाटा लीक हो जाएगा। अरे कौन सा डाटा आपका सेफ बचा है? आपने खुल्लम खुल्ला आपने सारे डाटा, एक से एक फोटो, एक से एक वीडियो अपनी फैमिली की, हर चीज जो है आपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे डाल के रखी है, वो विदेशी एजेंसियां हैं फेसबुक वगैरह, और आपकी सरकार आपसे पूछ रही है कि भाई आप अपने पिताजी का नाम बता दीजिए, अपने माताजी का नाम बता दीजिए, आपके पास कितने बच्चे हैं, किनका वैक्सीनेशन हुआ है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या नहीं है, तो आप बोल रहे हो इसमें हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने एक अहम चीज यहाँ पे बोली है कि ठीक है आप एनपीआर लेके आ रहे हैं, आप लेके आइए, जनगणना आप कर रहे हैं, ठीक है, हर 10 साल में होती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता को तो बताइए कि आपने अगर कुछ बदलाव किए हैं तो वो क्या बदलाव किए हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। खैरा साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी खामी है कि जनता को ये बताया नहीं गया, तो जनता क्या करे, सड़कों पे उतरने के अलावा और क्या विकल्प है? इसका अंदाजा किसको था
कि इतनी जबरदस्त अफवाह और गलत फहमी पैदा की जाएगी, राजनीतिक स्वार्थपन का इतना गिरा अध्याय शुरू होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज जो षड्यंत्र रचे गए हैं, जिस तरह से बरगलाया गया है लोगों को, गलत फहमियां पैदा की हुई हैं, आज वो क्लियर हो गई है। मौका दिया ना सर, तो अब मौका दिया ना बरगलाने का। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये अनुभव तो मैं किसने सोचा, अब ये अनुभव प्राप्त हुआ है कि लोग इतना भी गिर सकते हैं कुर्सी के लिए, तो आगे से इसमें जनता के को बताया जा रहा है, बताया जाएगा, इस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका, आप अभी अभी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल इस बात का है कि विजय जी कह रहे हैं कि एनपीआर जो है भाई जनगणना के लिए है और 10 साल में जनगणना होती है, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, विरोध क्यों? देखिए नेहा जी, एक चीज तो खेरा साहब कह रहे थे, दरअसल क्या है, ये सरकार खुद ही कंफ्यूज है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जितने भी अभी तो वर्तमान के विधेयक लाए हैं, लगातार जो है सरकार का, आप सरकार के मंत्रियों का बयान देखिए, कभी गृह मंत्री बयान कुछ देते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं। अभी एनपीआर के ऊपर जावड़ेकर साहब का बयान आ रहा था, उनका कहना है कि सिर्फ जो है इस पे डेमोग्राफी जो है वो डेमोग्राफिकल डाटा हम ले रहे हैं, और उस पर गृह मंत्री जी का बयान आ रहा है कि किसी भी प्रकार की सूचना देने में क्या दिक्कत है, यानी कि दोनों लोगों में आपस में ही विवाद है। दरअसल सरकार जब तक लोगों को सारी चीजों के संदर्भ में पूरी व्यापकता से नहीं बताएगी, जनता संतुष्ट नहीं होगी, और निश्चित रूप से लोगों के बीच जो है उहापोह की स्थिति है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भारतीयता को साबित करने के लिए हमें किन किन चीजों का प्रमाण देना होगा, क्या क्या देना होगा। कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है, दिक्कत कहाँ है? देखिए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, हर राजनैतिक दल अपनी विचारधाराओं के साथ लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग कांग्रेस की विचारधाराओं को मानते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को मानते हैं, ये अलहदा बात है। सरकार जो कानून लेके आती है उस कानून के संदर्भ में आम लोगों को विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, सवाल यहाँ है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जनगणना ही तो है, जनगणना तो हर 10 साल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खेरा साहब भी इस बात को समझते होंगे, एनपीआर के बाद जो है तुरंत सेंसस होने वाला है, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। सेंसस और एनपीआर में बहुत अंतर है। जो ये डेमोग्राफिकल डाटा दिया जा रहा है, डेमोग्राफिकल डाटा में बहुत सारी चीजों की चर्चाएं नहीं है, जबकि सेंसस जो है सारी चीजों को विस्तृत जानकारी लेता है। तो अगर आप सेंसस कराना ही है आपको, तो सेंसस ही से करवाइए, आप एक ही बार सारी चीजों का डाटा इकट्ठा कर लीजिए, बार बार चीजों को लेकर के आना। आपने जो किया वो किया, अब बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो चाहती है कि पहले एनपीआर हो, उसके बाद और तमाम चीजें, तो इसमें दिक्कत कहाँ खामी है, कहाँ कमी है? कमियों को उठाइए ना सर, क्योंकि विपक्ष में बैठने का क्या फायदा है? विपक्ष में बैठने का ये है कि आप सरकार की कमियों को उठाइए, खामियों को उठाइए, आप ये तो नहीं बताएंगे ना कि आपको सरकार कैसे चलानी है। नेहा जी, हम उसी कमी के संदर्भ में कह रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों को के पास पहुंचना है, और 130 करोड़ लोगों के पास पहुंचने के लिए सरकार का एक अच्छा खासा बजट खर्च होगा, और लगातार 4 प्रक्रियाएं हो गई भाई। आपको जो है पहले, इसके पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट के पहले एनआरसी आया, एनआरसी के संदर्भ में तरह तरह के बयान दिए गए, लास्ट में अंततः सरकार को ऐसा लगा है कि ये बहुत बड़ा गलत होने जा रहा है, तो आपस में ही कंट्रोवर्सियल बयान देके और लोगों को टर्न दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अब अमित शाह जी संसद में बोलते हैं कि एनआरसी होके लागू होके रहेगा, लागू होके रहेगा, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं, अलग है, दोनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते। हम वही तो कह रहे हैं, अगर आप अमित शाह की बात कर रहे हैं कि उनका बयान क्या था, तो उन्होंने तो ये भी बोला है कि भाई दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो आप दोनों को मिला नहीं सकते हैं ना मनोज जी। नेहा जी जरा इस चीज को समझिए, एनआरसी में हम तमाम चीजों का डाटा ले रहे हैं, सीए में क्या है, सीए में हम घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर समझा रहे हैं, उनको बाहर करने और नागरिकता देनी है लोगों डाटा को, नागरिकता कहाँ नहीं जाता मुझे बता दीजिए। अभी हम लगातार यहाँ बात कर रहे थे, आपका सोशल मीडिया पे डाटा जाता है, बैंक में आपका डाटा होता है, तमाम और जगह भी आपका डाटा होता है। अरे सर सुन लीजिए, मैं देश के लोगों को ये बोलूंगा कि भाई ये जो रजिस्टर बन रहा है ना, सारा डाटा दे दीजिए, नहीं देंगे तो टिकटॉक वीडियो कैसे बनाएंगे, आपको सिम कार्ड मिलेगा नहीं, मिश्रा से सवाल कैसे लिखेंगे? सुनिए ना, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। आप जो है एनआरसी में सारा डाटा एकत्रित कर रहे हैं, उसके बाद एनपीआर में सारा डाटा एकत्रित कर रहे हैं, और सेंसस में भी आप सारा डाटा एकत्रित करेंगे,
एक लोगों का कितनी बार डाटा लेंगे आप, मुझे ये बताइए उसका फायदा क्या है। मैं बता रहा हूँ ना क्या फायदा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ क्या फायदा है, बोलिए सरकार की। नहीं नहीं सुनिए, ये केवल चार बार नहीं, मैं तो गवर्नमेंट को बोलूंगा एनपीआर और सेंसस 10 बार करें। उसके पीछे कारण है, कारण ये है भले ही बजट लग जाए, अभी इन्होंने बजट की बात की, साहब उतना भी बजट नहीं है जितना हमारे देश के गणमान्य के एसपीजी सुरक्षा पे सारे मंत्री विधायकों पे लग जाता है। बजट कटौती करनी है तो वहां से करिए, ये जरूरी इसलिए है 130 करोड़ की जनता में कई बार आदमी को अपने डाटा नहीं पता रहते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं आप एनआरसी का मैं समर्थन करता हूं बहुत स्ट्रांग, लेकिन एक चीज में कि उसका प्रोसीजर ऐसा हो कि एक बार नहीं आप 5 बार उस आदमी की जो है मतलब निशानदेही करिए, एक भी आदमी के ऊपर गलत आरोप ना लगे। नहीं नहीं ठीक है, एक बार नहीं आप 10 बार डाटा कलेक्ट करिए। सवाल इस बात को भी आप कह रहे हैं कि मिश्रा साहब आपको पता है कि एक इस इम्प्लीमेंटेशन में कितने हजार करोड़ का बजट है, एक छोटे राज्यों से ज्यादा का बजट है एक इस व्यवस्था में, और आप एक ही चीज को लागू करने के लिए चार चार चीजों को थोप रहे हैं। बात जब जान बचाने की होती है सर, आप सुनिए मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है ये रजिस्टर बनना कि उसके लिए लाखों करोड़ों का भी बजट हो तो मैं बोलूंगा वो सही है। मिश्रा साहब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आपके बारे में अगर तमाम तरीकों की जानकारी सरकार को लेनी है तो सरकार को एक ही प्रक्रिया लेके आना चाहिए, आप समस्त डाटा दीजिए। आधार कार्ड का विरोध इस सरकार ने किया था कि नहीं किया था, मुझे बताइए आधार कार्ड का विरोध क्यों किया गया था? आधार कार्ड को 130 करोड़ की जनता को बार बार फिल्टर करना पड़ेगा, जानकारी लीजिए आधार कार्ड का विरोध हुआ था कि नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आधार कार्ड का विरोध किया था, विरोध किया था। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि आधार कार्ड भी एक अच्छी योजना थी, एनपीआर सेंसस। मैं बोलता हूँ सरकार की जिम्मेदारी है वही तो हर आदमी के बारे में हिसाब रखे। आप किसी चीज को जानकारी लेने के लिए सरकार एक बार व्यवस्था करे, कितनी बार लाइन में लगाइएगा? सर एक बार व्यवस्था करने में पिछले सत्तर सालों में 10 बार जनगणना हो गई, अभी तक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बोलिए ना क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ मिश्रा साहब, आधार कार्ड का जो मामला आया था जनगणना आधार में हर 10 साल में हुई, सारी चीजों की जानकारी हो गई, सारी चीजों की जानकारी क्यों नहीं है देश के सरकारों के पास? एनपीआर बात बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 10 बार जनगणना हुई है और आज भी देश के सारे लोगों का डाटा सरकार के पास क्यों है? बताइए ना एनपीआर और सेंसस में क्या अंतर है, बताइए एनपीआर सेंसस में क्या अंतर है? जब आप सेंसस लेके आ रहे हैं तो एनपीआर लेने का क्या मतलब है? मनोज जी सवाल सुन लीजिए सर, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबको बोलते हैं सुनते नहीं है बिल्कुल। आधार कार्ड में सब कुछ है, उसमें आधार कार्ड में क्या है भैया? सब कुछ इनकम है, बिलो पॉवर्टी लाइन लिखा है एनपीआर में है। एक करके सुनिए ना आप, फिर बीच में क्यों? अरे इन सारी चीजों की जानकारी एनपीआर में है क्या? आदमी की है बोलने देता है, बीच में पूरे बोलने दो ना मुझे। एनपीआर में है क्या इस चीज की बताइए ना, चिक बताइए है? हाँ है, नहीं है एनपीआर में है जानकारी नहीं है? आपको कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं सर, क्या बोलते हैं एनपीआर में? एनपीआर में डाटा बेस है एनपीआर, आपको पता ही नहीं है। डेमोग्राफिकल डाटा लेना है आपको, डेमोग्राफिकल आप समझिए, डेमोग्राफी में क्या है समझिए, एक एक करके। अरे मनोज जी आधार कार्ड में झूठ बोल लिया, एनआरसी में झूठ बोल लिया, डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं एक एक करके। खेरा जी अपनी बात रखिए, मैं ये कह रहा था आपसे, देखिए अभी इन्होंने एनआरसी में कह दिया कि खर्चा हो रहा है। इस समय बात सिर्फ इतनी सी है कि हमको सिर्फ पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना है, अगर इनकी जानकारी है तो मुझे खाली विश्व के 4 कंट्री दिखा दें जिसमें ये नहीं है और मैं हार जाऊंगा आपसे। खेरा साहब एक बात मैं आपसे पूछूं, अब मैं अब मेरा भी सवाल आ रहा है, यूजुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? यूजुअल सिटीजन का मतलब क्या है? चाहे जो 4-6 महीने से भी रह रहा है वो भी है यूजुअल? नहीं 6 महीने से ही रह रहा है और आने वाले समय में 6 महीना रहेगा, इसका क्या मतलब बनता है? तो भी यूजुअल है। अरे 6 महीना में आप विस्तृत डाटा ले लेंगे क्या? नहीं है, एक आम नागरिक का 6 महीने में जो कहीं गाइड कर रहा है उसकी सारी जानकारी ले लीजिए। अधिकारी जी मैं दोनों पार्टियों को पूछ रहा हूँ, मैं दोनों पार्टियों को पूछ रहा हूँ, होता है उसी दिन से होता है, कांग्रेस दोनों से पूछ रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। मैं दोनों पार्टियों से पूछ रहा हूँ, एनपीआर आज से लागू नहीं है, 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हुआ, ठीक है 2010 में, ठीक है, और 2011 में जनगणना के वक्त एनपीआर का डाटा लिया गया था। सवाल सर मेरा यही है, एक मिनट मनोज जी से मेरा सवाल है
कि जब मनमोहन सिंह इसको लेकर आए थे आप लोग पूरा नहीं कर पाए, बीजेपी की सरकार पूरा कर रही है, तो सर विरोध क्यों? डाटा तो उस वक्त भी लिया जा रहा था ना, सवाल इस बात का है जी। नेहा जी मैं जवाब दूं। हाँ नेहा जी, कांग्रेस जो 2010 में लेके आई थी, कांग्रेस का ये प्रोस्पेक्ट था कि हम तमाम चीजों की जानकारी उसके तहत ले लेंगे। 5 तरीकों का अखबार पेपर नहीं लेना था उसमें, अगर वो ले उस, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हमारा समझिए हम विरोध कहाँ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी चीज की जानकारी, अगर विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे डेमोग्राफिकल जानकारी लेनी है आपको, आप पूरा ले लीजिए। आपको इकोनॉमिकल जानकारी लेनी है, पूरी जानकारी ले लीजिए। आपके पास कितनी संपदाएं हैं उसकी जानकारी ले लीजिए, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस बनाइए। हम ये कह रहे हैं उसका एक प्रोसेस बनाइए। आपको सरकार को निश्चित रूप से खर्च होगा, हम उसके भी विरोध में नहीं है, लेकिन जानकारी लेने का ही मंशा है सरकार की, तो इसको कौन रोक रहा है? लेकिन एक प्रोसेस से लीजिए ना, तमाम तरीके के अलग अलग प्रोसेस। तिवारी जी वो क्या होना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, मैं विपक्ष से पूछ रहा हूँ, वो क्या होना चाहिए? मैं आप सर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एनपीआर में ही अगर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसिकल प्रोसेस ग्राफिकल लेना है, तो हम कह रहे हैं कि उसी में सारी चीजों को सन्निहित कर दीजिए। विपक्ष प्रस्ताव लाए ना, उनके सारी चीजों को सन्निहित। अरे भाई विपक्ष बताए, जनता के सामने बताए, मीडिया के सामने बताए। ये हम मीडिया के सामने कह रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? प्रदर्शन हो रहा है, आवाज बुलंद की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, सरकार के विरोध में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष कर रहा है क्या? सरकार तो चलिए अपना कर रही है, लेकिन आप कर रहे हैं। विपक्ष भी सरकार से सही तरीके से सवाल नहीं पूछ रही है। अच्छा आप एक बात बताइए, अभी ये प्रोसेस 7-8 दिनों का है, 10 दिनों का है, आपने ऐसा देखा है क्या कि कांग्रेस ने कभी अधिकृत बयान दिया है? कांग्रेस ने क्या बोला है? हम विरोध इस चीज का कर रहे हैं, इस पर एनपीआर पर, कि हम एक प्रोसेस में लेके आ जाइए। आप अगर सेंसस कराना है तो सेंसस में इन सारी चीजों का डाटा लीजिए, और अगर उसको एनपीआर का नाम देना है तो एनपीआर में ही सेंसस को सम्मिलित कर दीजिए और सारी चीजों की जानकारी एक कागज पर ले लीजिए। कहां कहा जा रहा है कि आप जानकारी मत दीजिए? ऐसा कौन बोल रहा है? ये तो सरकार कह रही है, और सरकार के लोगों से पूछा जाता है तो कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है। कहा तो ये भी जा रहा है ना कि एनआरसी लागू कर रहे हैं, इसलिए ये तो उसका पहला स्टेप है। एनआरसी डिफरेंट चीज है, कहा जा रहा है आप लिंक कर रहे हैं, आप लोग लिंक कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। नहीं कह रहा है मिश्रा जी, फिर वही बात है, आप एनआरसी को मिला लेने के, विपक्ष में 2500 एनआरसी को मिलाने लगे। अभी तक विपक्ष क्या बोलता था? देखिए आपको तो एनआरसी से भी डर नहीं होना चाहिए। खेरा जी को अभी आप एनआरसी के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एनआरसी के ऊपर चर्चा कीजिएगा। एनआरसी को तैयार हो, एनआरसी के ऊपर भाई एनआरसी को इसमें मिंगल क्यों कर रहे हैं? एक बात एनपीआर के बारे में, एक बात से कांग्रेस सहमत है कि होना चाहिए और सारे डाटा शामिल होना चाहिए। एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस ने ये कहा जो तिवारी जी बोल रहे हैं कि सारे डाटाबेस होना चाहिए, जो चीजें सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए एक ही बार में होना चाहिए। मतलब ये इस बात से एग्री करते हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है कि ये सब होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आज 2015, हर 5 वर्ष में जब एनपीआर बन रहा है, 2010 फिर 2015, अब ये टाइम है एनपीआर का। एनपीआर को तो बनना शुरू आज करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा, कब तक होगा ये नहीं पता है। सेंसस का जब सवाल आएगा तब आएगा। आज की तारीख में एनपीआर ड्यू है हमारा, वो ड्यू प्रोसेस है, वो शुरू हो रहा है। रहा आपने जिन जिन चीजों के लिए और बोला वो और शामिल कर ली जाएंगे। चलिए खेरा साहब हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा पे यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बैठे हुए हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप अप्रैल से शुरू कीजिएगा, सितंबर तक आपको एनपीआर कराना है। तो हमारा कहना है कि उसमें जो बजटरी प्रावधान है अगर थोड़ा बहुत बढ़ा करके भी अगर आप सारी चीजों को एक ही साथ कर दीजिएगा तो लोगों को समस्याएं नहीं होगी। अब वो कभी देखिए 6 महीने का, आप इसमें समझिए खेरा साहब मैं क्या कहना चाहता हूँ। 6 महीने में जो लोग कहीं किसी अस्थायी जगह पर रह रहे हैं, वो उस अस्थायी जगह पर से उन लोगों को जो अपनी तात्कालिक जानकारी है वो दे देनी है। इसमें कौन विस्तृत जानकारी आपको मिल रही है जरा हमको बताइए, इसमें फायदा क्या सरकार को? जवाब देने दीजिए। हाँ उसमें दोनों चीजें शामिल है, स्थायी निवास और टेम्परेरी निवास। एक अभी बोलने दिया, नहीं बोलने दिया ना पूरा साहब, मैं आपकी हैबिट में है, वो सेंटेंस पूरा करने नहीं देंगे आप किसी को। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके पति पत्नी का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता और स्थायी वर्तमान पता, स्थायी
एवं अस्थायी दोनों नहीं और वर्तमान पता मतलब जहाँ पे आप रहने वाले हैं जहाँ के रहने वाले हैं और जहाँ है और जहाँ पर आप रह रहे हैं दोनों है सर तो, आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए जनता समझ रही है जनता देख रही है कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए सर नेहा जी और दूसरी बात और मैं आपको बता रही हूँ पढ़ के सुना दिया अब तो मान जाओ हाँ तो बोलो खेरा साहब अब तो नेहा जी ने पढ़ के सुना दिया अरे आप समझिए हाँ बोलिए ना कहना चाहते पहले उन्हें हाँ बोलो हाँ कहना चाहते हैं कि आप जो एनपीआर लेके आ रहे मेरी बात को समझिए आप विरोध की मानसिकता से अगर हर बात को गलत कीजिएगा वो कांग्रेस की है नहीं है मैं आपको क्या बता रहा हूँ हमारा विरोध क्या है हमारा विरोध ये है एनपीआर को और सेंसस को दो अलग अलग प्रक्रियाएं आपने कही है और हम कह रहे हैं या तो एनपीआर या तो सेंसस एनपीआर में ही सेंसस की सारी सूचनाओं को अगर आप केंद्रित कर देते हैं तो आपको सेंसस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगा सुनील जी सवाल इस बात का है कि यहाँ पर भी जो विपक्ष है वो दरअसल विरोधाभास में है एक कंफ्यूजन है कि हम समर्थन करें या फिर विरोध में आए अभी तक यही तय नहीं है कि अगर विरोध करना है तो किस मुद्दे पे करना है अजय माकन कुछ कहते हैं ये कुछ कह रहे हैं देखो न तो विपक्ष भी समीक्षा कर पाया और न सरकार समीक्षा कर पाया मेरे हिसाब से क्योंकि जब एनपीआर बनता है हर 10 साल बाद और सारी रिकॉर्ड उसमें रहता है तो फिर जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाने पड़ते हैं आय प्रमाण पत्र क्यों बनवाने पड़ते हैं गरीबी रेखा से नीचे के प्रमाण पत्र क्यों बनवाने पड़ते हैं जी, जी, जी। जब आपने एक बार 10 साल में डाटा कलेक्शन कर लिया, तो जनता को बार बार परेशान क्यों होना पड़ता है क्या विपक्ष का दायित्व क्या सरकार का दायित्व ये नहीं होता है कि वास्तव में जिन बातों को लेकर के जनता बार बार परेशान होती है उसका एक बार में समाधान होना चाहिए लेकिन उस पर बात दोनों लोग नहीं करेंगे दूसरी बात जिन चीजों की दिक्कत हो रही है आज 2010 में कांग्रेस लेके आई अभी लेके आ रही है वो तो एक सरकार का अधिकार है 10 साल में कराना पड़ेगा ये संवैधानिक चीज है इसमें विपक्ष हड़बंगा लगाए सरकार लगाए हो ही नहीं सकता ये सरकार भी इसको रोक लेती है तब भी फिर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछेगा आखिर में कि आपने रोका कैसे एक समय सीमा होती है समय सीमा में व्यवस्था करानी पड़ती है लेकिन मेरा ये कहना है कि वास्तव में जनमानस जिन बातों को लेकर के बार बार परेशान रहता है उन बातों को लेकर के अभी मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ इलाहाबाद में 850 मुकदमे इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि जो जिला प्रशासन ने जाति प्रमाण पत्र बनाए उनके आधार पर उन बच्चों ने एडमिशन लिए वो रिजेक्ट कर दिए गए तो आखिर में जब एनपीआर की आप बात करते हैं तो एनपीआर में ये सारी चीजें लागू होती हैं फिर 2000 देश में जब एनपीआर लागू हुआ तो वही बीजेपी सड़कों पे आकर के ये कहने लगी कि जातिगत आंकड़े और धार्मिक आंकड़े आप बताइए जातिगत आंकड़े जब कांग्रेस ने उस समय क्यों नहीं बताए धार्मिक आंकड़े बाद में बीजेपी ने बताए बीजेपी ने जातिगत आंकड़े क्यों नहीं बताए आज तक मुझे ये बता दीजिए किसी भी सरकार ने एनपीआर में जो डाटाबेस होता है उसके आधार पर जातिगत आंकड़े क्यों नहीं बताए विपक्ष में रहकर के ऊधम मचाना सड़कों पर आना ये तो बात अलग है लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब वो बातें आपको याद क्यों नहीं रहती बिल्कुल मिश्रा जी क्या माना जाए कि विपक्ष में जब पार्टी होती है तो उसे सरकार की खामियां दिखाई देने लगती है ठीक है खामियों पे आप आवाज उठाइए लेकिन जब सरकार सही कर रही है उस पर सवाल उठाना जाहिर तौर पर ठीक नहीं है लेकिन जब वही पार्टी जो आज सत्ता में है जब वो विपक्ष में होती है तब वो भी वही काम करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है देखिए जनता से जुड़े हुए दिक्कत इस चीज से नहीं है खामी को खामी की तरह कोई पार्टी ले तो देश का बहुत विकास हो जाए कल्याण हो जाए लेकिन जब खामियां रहती हैं और उस खामी का पॉलिटिकल माइलेज हर पार्टी लेती है दिक्कत यहां होती है मैं ये बोलना चाहूंगा आप मुझे ये बताइए सारी पार्टियां सारे देश के लोग जितने भी हैं धार्मिक आधार पे कुछ रिजर्वेशन ले लेंगे जातिगत आधार पे बेनिफिट ले लेंगे कंसेशन ले लेंगे हाँ माइनॉरिटी का स्टेटस वो होगा धार्मिक आधार पे तो जनता से क्यों छुपाया जा रहा है धार्मिक आधार पे सेंसस को जातिगत आधार पे जो सेंसस है कौन कितना है क्यों छुपाया जा रहा है और सड़कों पे वही धर्म और जात के नाम पे वही जनता वही पॉलिटिकल पार्टी गदर मचाती है तोड़फोड़ करती है अधिकारों की मांग करती है और खुल्लम खुल्ला बोर्ड और बैनर लेके कि हम इस जात के हैं हम इस धर्म के हैं चिल्लाती है तब वहां पे शर्म नहीं आती और गवर्नमेंट अगर डाटा ले ले तो गवर्नमेंट पता नहीं क्यों छुपा के रखती है ये सारे के सारे डाटा एकदम क्लियर कट होने चाहिए कि भाई ये हमने सेंसस किया ये किया हमारे देश की डेमोग्राफिक हिसाब से जो एनालिसिस है जो प्रेजेंटेशन है वो ये है बिल्कुल तो जनता का भी ये अधिकार है बहुत जल्दी अपनी बात रखिए नेहा जी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी गृह मंत्री जी का कल इंटरव्यू हो रहा था मैं सुनील कौशिक जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ देखिए चर्चा अलग चीज है
कल उनका बयान था, उस बयान में उनका ये कहना था कि सरकार अपनी बजट को जो सुविधाएं देना चाहती है, आम जनता तक पहुंचाना चाहती है, उसको एनपीआर के माध्यम से पहुंचाएगी। मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, एनपीआर में उन तमाम चीजों को सम्मिलित तो नहीं किया गया जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि वो आदमी अमीर है गरीब है, उसको क्या आवश्यकताएं हैं, इन सारे किसी चीज को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो उस एनपीआर के आधार पर आप किस तरीके से सरकार जो है उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगी, यही तो समस्या है। मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड जी जी, ऐसे कौन सी चीज है जो शामिल करनी चाहिए? मैं वही बताने जा रहा था। जैसे देखिए, एक किसान की आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पास व्यवसाय क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके नहीं एनपीआर में शामिल नहीं है, नहीं है। अब सर मैं इतनी कार है, गाड़ी घोड़ा है, सब है उसमें। नहीं, ये सेंसस में है, एनपीआर में ये नहीं है। एनपीआर में आप डिटेल पढ़िए उसकी, उसमें सब चीजें लिखी है। लीजिए सर, सब चीजें को पढ़ लीजिए। अरे सर, आप खास चर्चा में शामिल होने के लिए, जी हाँ, तो आपको बता दें कि एनपीआर पर अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। जनगणना होती है हर 10 साल में होती है, लेकिन 10 साल में जब जनगणना हो रही है तो जाहिर तौर पर उसका विरोध विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पहले ये तय होना चाहिए कि विरोध हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।